महात्मा गांधी से जुड़ी कई बातें आप जानते भी होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर रोज काम में आने वाली भारतीय मुद्रा पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर क्यों छपी है और नोट में जो फोटो छपी है वो कहाँ से ली गई है? तो आइए जानते हैं ऐसी कुछ महात्मा गांधी से जुड़ी दिलचस्प बातें। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान 1899 के एंग्लो बोयर युद्ध में स्वास्थ्य कर्मी के तौर पर मदद की थी। वहीं उन्होंने युद्ध का भय देखा था और अहिंसा के रास्ते पर चल पड़े थे। दुनिया में महात्मा गांधी के आदर को इस बात से समझा जा सकता है कि जिस देश से भारत को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी उसी ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। जी हाँ, ये बात सच है। ब्रिटेन ने उनके निधन के 21 साल बाद उनके नाम से डाक टिकट जारी किया था। भारत में छोटी सड़कों को छोड़ दे तो कुल 53 बड़ी सड़कें महात्मा गांधी के नाम पर हैं, जबकि विदेशों में कुल 48 सड़कों के नाम उनके नाम पर हैं। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के डरबन, प्रिटोरिया और जोहान्सबर्ग में कुल 3 फुटबॉल क्लब स्थापित करने में मदद की थी। महात्मा गांधी की शव यात्रा 8 किलोमीटर लंबी थी। 13 साल की उम्र में गांधी जी की शादी उनसे एक साल बड़ी कस्तूरबा गांधी से हुई। शादी से संबंधित प्रथाओं को पूरा करने में एक साल लग गया और इसी कारण से वह एक साल तक स्कूल नहीं जा पाए थे। यह बात आपको भले ही अचरज में डाल दे, लेकिन सच है कि शांति का नोबेल पुरस्कार गांधी जी को अब तक नहीं मिला है। हालांकि उन्हें कुल 5 बार अभी तक इसके लिए नॉमिनेट किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार साल 1996 में महात्मा गांधी की तस्वीर वाले नोट चलन में आए थे। उसके बाद 5, 10, 20, 6, 500 और 1000 रुपये वाले नोट छापे गए। इस दौरान अशोक स्तंभ की जगह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का फोटो और अशोक स्तंभ की फोटो नोट के बाईं तरफ के निचले हिस्से में प्रिंट कर दी गई। हालांकि 1996 से पहले 1987 में महात्मा गांधी की तस्वीर को वाटरमार्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जो कि नोट के बाईं तरफ दिखाई देते थे और उसके बाद में हर नोट में गांधी जी की तस्वीर छापी जा रही है। एक आरटीआई में सामने आया था कि 1993 में आरबीआई ने नोट के दाहिनी तरफ महात्मा गांधी का चित्र छापने की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी। हालांकि गांधी की फोटो पर कई बार बहस होती है, किंतु उनके स्थान पर अन्य स्वतंत्र सेनानियों की तस्वीर क्यों नहीं छापी गई? दरअसल हमारा देश विभिन्नताओं में एकता वाला देश है और महात्मा गांधी को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना जाता है। राष्ट्रपिता की उपाधि हासिल कर चुके गांधी उस वक्त राष्ट्र का चेहरा थे, इसलिए उनके नाम पर फैसला लिया गया, क्योंकि अन्य सेनानियों के नाम पर क्षेत्रीय विवाद हो सकता था। हालांकि इस सवाल को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। हाल ही में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में इसका जवाब दिया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैनल ने गांधी के स्थान पर अन्य राष्ट्रीय नेता की तस्वीर ना छापने का फैसला क्यों किया, क्योंकि महात्मा गांधी से ज्यादा कोई भी व्यक्ति देश के स्वभाव का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। बताया जाता है कि अगर किसी अन्य सेनानी या किसी निर्जीव वस्तु का चित्र छापा जाता तो देश के अलग अलग राज्य के लोग इस पर सवाल उठा सकते थे। अब आपको यह भी बता दें कि नोट पर छापने वाले गांधी की तस्वीर के पीछे क्या राज है। यह तस्वीर साल 1946 में खींची गई थी और यह असली तस्वीर है। यह फोटो उस वक्त की है जब वो लॉर्ड फ्रेडरिक पेथिक लॉरेंस विक्ट्री हाउस में आए थे। जो समय बचाते हैं वे धन बचाते हैं और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर होता है। अकलमंद काम करने से पहले सोचता है और मूर्ख काम करने के बाद। किसी भी काम को या तो प्रेम से करें या फिर करें ही नहीं। काम
की अधिकता ही नहीं, अनियमितता भी आदमी को मार डालती है। भूल करने में पाप तो है ही, परंतु उसे छुपाने में उससे भी बड़ा पाप है। आप प्रत्येक दिन अपने भविष्य की तैयारी करते हैं। पुस्तकों का मूल्य रत्नों से भी अधिक है, क्योंकि पुस्तकें अंतःकरण को उज्जवल करती है। जिंदगी का हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे कि यह तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होने वाला है। कोई भी तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। आपको खुद में ऐसे बदलाव करने चाहिए जैसा आप दुनिया के बारे में सोचते हैं।